स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हिमाचल और पंजाब सीमा पर लगातार बढ़ रहे नशे के काले कारोबार के खिलाफ समाज सेवी शिव कुमार कालिया ने पैगाम इनकलाब यात्रा शुरू की है। ये यात्रा हिमाचल सीमा से शुरू हुई है जो कि पंजाब के रोपड़ जिला तक चलेगी। ये पैगाम इनकलाब यात्रा छठी बार एक पत्रकार के द्वारा नशे के विरोध में की गई है। चिलचिलाती धूप में साइकिल पर सवार होकर नशे के जहर के खिलाफ वो युवाओं को संदेश दे रहे हैं। समाज सेवी शिव कुमार कालिया ने नशे के खिलाफ हिमाचल और पंजाब की सीमा पर नशे के कारोबारियों के विरुद्ध ये यात्रा निकाली है। उन्होंने लोगों को संदेश दिया है कि वे अपने बच्चों को नशे से दूर रखें, बच्चों को खेलों की तरफ और पढ़ाई की तरफ ध्यान केंद्रित करने में विशेष योगदान दें, क्योंकि नशा हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है। शिव कालिया ने अपनी साइकिल पर ये छठी यात्रा शुरू की है और ये पैगाम इंकलाब यात्रा जिला बिलासपुर के ग्वालथाई बरमाला से लेकर जिला रोपड़ तक शुरू की है। उन्होंने अपने संदेश में हिमाचल और पंजाब पुलिस से मांग की है कि पंजाब और हिमाचल के सीमा पर नशे की तस्करी को बंद करवाने में अपना सहयोग करें और पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करके उन तस्करों को गिरफ्तार करे जो इस तरह के नशे का कारोबार कर देश के भविष्य को खराब कर रहे हैं। प्रदेश के छोटे बड़े सभी जलाशयों पर अवैध शिकार करने वालों पर मत्स्य विभाग ने पैनी नजर रखी हुई थी। प्रदेश में 2 महीने का प्रतिबंध होने के बावजूद मछली का अवैध शिकार करने वालों पर कड़ा शिकंजा कसा रखा गया। इसी के तहत फ्लाइंग स्क्वाड और विभागीय टीमों ने पोंग डैम, गोविंद सागर, चमेरा, कॉल डैम, रंजीत डैम इत्यादि डैमों में कार्रवाई की और लगभग 180 से ऊपर मामले अवैध रूप से कर रहे मछुआरों को पकड़ा है और उन पर लगभग 1,70,000 से ज्यादा का जुर्माना भी किया गया है। प्रदेश के सभी बड़े जलाशयों में स्टेट लेवल की फ्लाइंग स्क्वाड और जिला लेवल की टीमें तैनात हुई थी और जलाशयों की निगरानी कर रही थी। हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग के निदेशक सतपाल मेहता ने बताया कि मोटर बोटों के जरिए भी निगरानी की गई। मत्स्य विभाग के निदेशक ने बताया कि 2 महीने के प्रतिबंध पर मछुआरों ने विभाग का काफी सहयोग किया तथा कुछ अवैध रूप से मछली का व्यापार करने वालों के खिलाफ विभाग की टीम ने कार्रवाई की है और जुर्माना भी वसूला है। हिमाचल प्रदेश में 15 अगस्त से मत्स्य आखेट पर लगा प्रतिबंध हट गया है। आपको बता दें कि प्रदेश के जलाशयों एवं नदियों में आरंभ की गई मछली शिकार प्रतिबंध 1 जून से 31 जुलाई तक लगाया गया था। इस दौरान मछलियों के शिकार पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध था, लेकिन मॉनसून के देरी से हिमाचल में सक्रिय होने के चलते इसे बढ़ाकर 15 अगस्त तक कर दिया गया था, क्योंकि इस दौरान मछली का प्रजनन होता है। बिलासपुर स्थित मत्स्य विभाग के निदेशक सतपाल मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश में 15 अगस्त से मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर के जलाशय एवं नदियों में मछलियों का शिकार अब आरंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 जून से 31 जुलाई तक मछलियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य मछलियों के प्रजनन में बढ़ोतरी करना था, लेकिन वास्तव में मॉनसून के हिमाचल में देरी से सक्रिय होने के चलते इस अवधि को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश के मछुआरे मत्स्य आखेट आरंभ कर देंगे। उन्होंने ये भी बताया कि हिमाचल प्रदेश के जलाशयों गोविंद सागर झील, पोंग डैम, कॉल डैम सहित संपूर्ण जलाशयों में अब मछुआरे मत्स्य आखेट से अपनी आजीविका चला सकते हैं। DYFI और SFI ने ADC मंडी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है, जिसमें मुख्य मांग रवालसर में हुए 4.5 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग प्रमुखता से रखी गई है। जब बच्ची को मेडिकल जांच के लिए मेडिकल कॉलेज नेर चौक ले जाया गया तो मेडिकल जांच के लिए 4 घंटे तक
उसे इंतजार करना पड़ा, जो कि निंदनीय है। इस मामले की तह तक जांच होनी चाहिए और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। ज्ञापन में कहा गया है कि पूरे प्रदेश में लगातार बच्चों और नाबालिगों से बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। बच्चे स्कूलों व कॉलेजों में सुरक्षित नहीं हैं। इस मामले में पुलिस भी अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है, जो कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की लाचार